अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं आपके लिए हमारी अभी ब्रांड न्यू साड़ी, और इस वीडियो में मैं आपको पूरा साड़ी खोल के दिखा रहा हूँगा। ये शिफॉन पे बनी हुई साड़ी, एक एक करके इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या है चीज़ें हैं और किस तरह ये बनेगी। सबसे पहले इसका ये लहंगे, ये नीचे का फ्लेयर है आपके साड़ी का, फुल शिफॉन पे। इसके अंदर आप देख सकते हैं मैचिंग सीक्वेंस का और मैचिंग रेशम का काम हुआ है। रेडिश मरून कलर है ये, वर्क वगैरह आप देखें क्लोजली इसका। ये आ गया आपका पूरा घेर आ गया इसमें, इसके साथ घेर के नीचे ये इसके ऑर्गेंजा का फुल बॉर्डर लगेगा। इसमें जरी और गोल्डन सीक्वेंस का काम है, तो ये डबल सीक्वेंस के अंदर काम आ रहा है साड़ी के अंदर। सेम एस ओरिजिनल वर्क किया गया है, कोई फ़र्क नहीं है। ये इसका पल्लू है साड़ी का शिफॉन पे, अगेन इस पर भी मैचिंग सीक्वेंस और मैचिंग रेशम का काम है। ये आपके पल्लू आएगा जिसपे दोनों साइड ऊपर नीचे बॉर्डर है, ऊपर का भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये नीचे का बॉर्डर है, ये आपके शोल्डर पे से जो आएगा वो है ये। और ये ऊपर नीचे इसके ये जरी की एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी लगेगी विद सीक्वेंस, जैसे कि आपको मॉडल पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। ये ऊपर की, ये नीचे की, दोनों तरफ की प्रोवाइडेड है। फिर इसका आ गया ये साड़ी का पल्लू, पल्लू का बॉर्डर हैवी बना हुआ है, सेम एज ओरिजिनल चौड़ा बॉर्डर है। इसके अंदर भी आप देख लें फुल हैवी काम है रेशम का, मैचिंग सीक्वेंस के साथ वर्क की क्वालिटी चेक करें, फुल हैवी काम किया गया है, सेम एस ओरिजिनल वर्क है सारा। ये इसके साड़ी का पूरा पल्लू आ गया, ये पल्लू साड़ी के अंदर अटैच होगा, उसके पल्लू के साथ ये नीचे की तरफ इसके अंदर भी ये पट्टी लगेगी जरी सीक्वेंस वर्क के अंदर, इस तरफ यहाँ लगेगी ये बॉर्डर, इसमें अटैच होगी। इसके बाद ये इसका ब्लाउज है शिफॉन पे, मल्टी कलर रेशम का वर्क हुआ है विद सीक्वेंस। डिटेलिंग चेक कर लें वर्क क्वालिटी, फुल रेशम का काम, डेंसिटी वगैरह आप देख सकते हैं इसमें हैवी चली हुई है सारी, गफ काम हुआ है सारा इसके अंदर। ये आ गया इसका ब्लाउज, और फाइनली ये इसकी स्लीव्स, स्लीव्स भी शिफॉन की हैं, उसके ये कफ पे फुल कटवर्क आएगा इस तरह आस्तीनों में, जरी सीक्वेंस का काम इसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर की तरफ जाल वर्क दिया गया है। ठीक है जी, तो ये था आज का ड्रेस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।